अब बढ़ते आगे, खबर जनपद उद्धम सिंह नगर के काशीपुर से है, जहां गिरीदल क्षेत्र में एक मकान में दो व्यक्तियों द्वारा की गई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बता दें कि मकान मालिक किसी कार्यक्रम में कहीं बाहर गए हुए थे और उसी दौरान शातिर दो चोरों ने निगरानी के बाद चोरी को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में एसपी सिटी अभय सिंह ने खुलासा करते हुए साफ तौर पर बताया कि पकड़े गए दोनों शातिर चोर अन्य राज्यों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही इन चोरों से सामान के साथ एक तमंचा भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि वैधानिक कार्यवाही करते हुए दोनों चोरों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, गिरफ्तार रोड पे राजीव अग्रवाल जी रहते हैं और वो अपने फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली गए। जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि किसी घर में उसके और जो मुख्य गेट था उसका ताला तोड़ करके और उनके घर से कुछ ज्वेलरी और पैसे लेकर के गया है, क्योंकि वह हमारा सबसे मुख्य मार्ग है, खास कर उन्हीं है। और वहाँ इस तरह की घटना को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया। पुलिस संवेदनशीलता से लेने के बाद क्षेत्राधिकारी काशीपुर के नेतृत्व में इसमें तत्काल एक टीम हमने सेटअप करी। उसके बाद से जब हम सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली कि ये जो चोर थे, ये इनकी संख्या दो थी और ये शाम के समय ही उनके घर में घुस गए थे और इन्होंने 12 से 14 मिनट में अपनी घटना को करके चले गए, तो उससे हमें एक चीज़ ज्ञात हुई कि ये प्रोफेशनल चोर है, क्योंकि शाम को इतना कम समय में उसके और पूरे घर को सर्च करके और फिर निकल चुके हैं। बाद में हमारा जो चौकी इंचार्ज कटोरा था विपुल जोशी है, उसने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसमें और लग करके पोलिशिंग करी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये दो चोर हैं, नसीम और कामिल, जो कि संभल के रहने वाले हैं और ये ख्याति प्राप्त चोर हैं, अंतर्राज्यीय चोर हैं ये। इन्होंने बैंगलोर, लखनऊ, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इवन तक कि रामनगर, ऐसी जगहों पर अभी इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है 20 चोरियों की मिली है, जो कि इन्होंने चोरी को किया था। घटना में जो इनके द्वारा मार लिया गया था, हमारे द्वारा सभी प्रोफेसर उसमें रिकवरी की गई है। साथ ही ये जो घटना करने से पहले जो तमंचा लेकर के जाते थे वो भी हमने रिकवर कर लिया है। पूछताछ में व्यक्ति ने कहा कि साहब, हम किसी भी शहर में चोरी करने के लिए 2 या 3 दिन पहले जाते हैं और याद रखिए हम वहाँ पे किसी सराय में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पुलिस का ध्यान न जाए और वहाँ पे हम किराए का कमरा लेकर के वहाँ पे रुकते हैं। वहाँ हम फर्जी आईडी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि पुलिस कल को हमें ट्रैक न कर पाए और हम ऐसे मकानों को देखते हैं जिन मकानों में कई दिनों से ताला लगा हुआ है, या कई दिनों से वहाँ पे झाड़ू नहीं लगा है, या जो अखबार है, जो सुबह अखबार डालने वाला आता है और अखबार नहीं उठा है। इस घटना के बारे में इन्होंने बताया कि चूंकि इनके वहाँ 3-4 अखबार पड़े हुए थे जो कि उठा नहीं था, तो हमें ये लगा कि गृह स्वामी है, ये कहीं बाहर गए हैं, क्योंकि 4 दिन से इन्होंने अपना जो मॉर्निंग का अखबार है उसको उठाया नहीं है, तब ये उसमें घुसे और घुर के इन्होंने चोरों को अंजाम दिया। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से भी निवेदन करूँगा इस प्रकरण के बाद से कि अगर आप कहीं जाते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में या किसी कार्यक्रम में आपको अपने घर से दूर जाना पड़ता है, घर का कोई सदस्य नहीं है, तो आप आस पड़ोस के जो भी आपके संपर्क लोग हैं या जो लोग हैं उनको जरूर बताएं। हमारी जो चीता है, हमारी जो चौकी है, उस पर इंफॉर्मेशन जरूर दें ताकि हमारी गश्त पार्टी है उनको पता रहे कि किस घर में लोग बाहर हैं और नहीं है। अगर वो देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी निगरानी बढ़ेंगे, उसकी सुरक्षा में भी हमें मदद मिलती है और हम उसकी प्रॉपर तरीके से देखभाल भी कर पाते हैं।